नमस्कार सीधा कथा को स्वागत करुची मु थबीर सामल आज सीधा कथार अतिथि होती प्रोफेसर तथा डॉक्टर जयंत कुमार पंडा जे कि कोविड टेक्निकल कमिटी रो राज्यर परामर्शदाता अच्छा राज्य सरकार को परामर्श दौंस आम सीधा कथा कार्यक्रम में आशा रखुचु आप सीधा प्रश्न सीधा उत्तर देवे श्रीयुक्त पंडा स्वागत कार्यक्रम को प्रथम जानवाक चाहिए लोके भयभीत अवस्था अच्छा वर्तमान जे कौन करे कौन करे ये संक्रमण केबे कमिबो महामारी जो संक्रमण देखिले प्रथम लहर रे आमर प्रस्तुति एते सुंदर थिला सबुठारु कम मृत्यु संख्या रे सबुठारु कम असुविधा रे ओडिसा तार जनसाधारण को समस्त प्रकार सुविधा सुजोग चिकित्सा ठू आरंभ करी आमर जीवन जीविका पर्यंत सबुथिरे सर्वोत्कृष्ट सेवा जोगे दे पारिथिला किंतु दुखर कथा जे आमे सतर्क रहिलेनी द्वितीय लहरी रो शिकार हेले तो द्वितीय लहरी आसला परे आमे परिस्थिति देखिले जे एई थरो भूताणु आहुरी भयंकर हो जाइछि हु संक्रमण बढ़ी चलीछि ओ समस्तंकु आक्रमण कर चलीछि जो महामारी रो नियंत्रण संपूर्ण भावरे सरकार को हाथरे बा डाक्तर को हाथरे बा कोनोसी योजना रे नाही हेले गोटाए सांत्वना अछि जे आमे शिखर देश को आगौचे एमिति समय आसिबो जोठी की शिखर रे पहुंची सरला परे संख्या रे नियंत्रण हबो ओ संख्या कमी कमी जीवो सर ए जो कहले आमे पीक को पहुंचिबा ए पीक रो गणित साधारण लोकटी बुझी पारुनी तो पीक कहले केते संख्या को बुझा जाए संक्रमण रो कोन रेशियो अछि जाको आमे पीक कहि परिबा देखो तो किछि संख्या पूर्व निर्धारित नुहे आपण जानिछंती जॉन हॉपकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ठू आरंभ करी आमर आईआईटी आउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस समस्त मैथमेटिकल मॉडल तार प्रेडिक्ट करुची ताकु विभिन्न फैक्टर उपरे ए जो इन्फेक्शन संख्या आउ रिप्रोडक्शन संख्या आउ एक्टिव रोगी सह भल होता रोगी संख्या याकु नहीं गोटे हिसाब करा जाए था वो प्रेडिक्शन करा जाए था तो कौनसी नंबर बा कौनसी समय फिक्स न थाए विभिन्न फैक्टर उपरे ताहा निर्भर करे ओ अत्यधिक भाव निर्भर करथाय आम निजर आचरण उपरे महामारी रो आचरण अनुजाई महामारी रो व्यवहार ओ भविष्यत निर्धारण होइथाय एबे वर्तमान स्थिति रे सर पॉजिटिव बढ़ुची मृत्यु हार भी बढ़ुची आर रीजन कौन हे पारे तार रीजन होउची जे आमर द्वितीय लहरी रे आमर जो संख्या बढ़ी बढ़ी चली कहीं अधिकांश लोक को संक्रमित करमर क्वारंटाइन रु जी लोक संक्रमित होम निजर जो सोसाइटी बा कम्युनिटी लोकल केस जो कम्युनिटी केसेस मध्य से संख्या रे संक्रमित होती यह गोटे स्टेज ए महामारी रो जो थे कि गोष्ठी संक्रमण रूप निए ओ अति क्षिप्र गति रे रोगी संख्या बढ़ी चले रोग गुरुतर अवस्था को गति ट्रेंड देखिए मृत्यु हार बढ़ुची कहीं तार कारण हला जो द्वितीय लहरी भूताणु तार जो प्रकृति जोटा आम भेरिएंट कहू बा म्यूटेंट कहू बा तार जो भिरुलेंस कहू ता अत्यंत भयंकर ता केवल लोक को आक्रांत करूनी लोक को मृत्यु मुख को मध्य ठेली दौची तो पंडा जानवाक चाहिए सीधा सड़क भाव में आग को थर्ड लहर बा तृतीय लहर आसुची कि देखो महामारी पर्याय क्रमे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एपरिक पंचम लहर आसबार मध्य नजीर अच्छी आमे जानीचे एथर दिल्ली रे आमे जहाँ सामना करूचे ताहा एपरिकी द्वितीय लहर मध्य नुहे आमर हिसाब अनुजाई रहला तृतीय लहर अनेक एमिति देश अछंती जोठी की द्वितीय लहर आसी नाही एमिति अनेक राज्य भी अछंती भारत वर्ष रे जो माने द्वितीय लहर रो सामना करी नाहंती ओडिसा रे सरकार बहुत सतर्क अछंती परिस्थिति नियंत्रण रे अछि आपण देखि छंती प्रथम लहरी बेले समग्र देश तुलन रे ओडिशार स्थिति जथेष्ट भल थिला जोठी रोगी संख्या मध्य नियंत्रित थिला मृत्यु संख्या मध्य नियंत्रित थिला चिकित्सा पाई परुथले समस्ते ओ अति शीघ्र आम लोक मानंकु गोटे साधारण अवस्था दवा पई आमे सक्षम होइथिले सेई समय रो
सरकार प्रस्तुत अछंती काहेकि ना हमर प्रस्तुति अनेक पूर्वरु आरंभ होय जाय छे एई जो आउटकम देखुछंती बा भविष्यत देखुछंती बा तृतीय वेव रो संभावना देखुछंती ताहा पूर्णी निर्भर करूची दुईटी जिंस उपरे प्रथम जिंस हला लोकमानकर आचरण द्वितीय जिंस हला टीकाकरण जदि लोके आचरण सठिक रखंती महामारी रो नियम मानंती ओ निज भितरे जो सतर्कता अवलंबन करंती निहाति भाबरे आमे तृतीय लहर को एडाई देई परिबा ट्रेन जदि देखा जाय ताहले प्रथमे जतबेले कोविड हला ओडिसा रे प्रथमे वरिष्ठ नागरिक माने अधिक संख्या रे आक्रांत हेले परवर्ती पर्यायर जदि आपण देखिबे जहां वर्तमान रो ट्रेन कहउची युवापीढ़ी माने अधिक विशेष करी 18 वर्ष रु 45 वर्ष 50 वर्ष भितरे अधिक आक्रांत होउछन जहां स्वास्थ्य विभाग रो डाटा कहउची आगकु जहाँ संभावना रही थार्ड लहर किसी देश में किसी वैज्ञानिक भारत आप देखिए विशिष्ट जो मैंने एम्स पूर्वतन निर्देशक एम प्रेडिक्ट कले शिशु को हूँ तो आक्रांत हो पाए आपणकर व्यक्तिगत अनुभूति कौन जदि आप देखिए आगक जो लहर आसूची हूँ तो छोट शिशु सामना करें कि योग को देखो आम भारत जनसंख्या जदि देखा शतकड़ा 41 भाग लोक जुव बयस रेंज रे अछंती से माने 45 वर्षरु कम रे अछंती पाखा पाखी आपण धरि परिवे जे अधा अधी व्यक्ति भारतर वर्तमान युवक अछंती तो युवक मानकर संख्या कोटाए बहुत बड़ नंबर एही देश रे वर्तमान द्वितीय रे रोग प्रतिरोधक शक्ति अनुजाई वयस्क लोक ओ जो मानकर कोमॉर्बिडिटी अछि हृदरोग डायबिटीज कैंसर किडनी रोग आजमा बा विभिन्न कोमॉर्बिडिटीज जमीती कि कोलाजेन वास्कुलर डिजीज ए सब अच्छी से माने आक्रांत होवार संभावना बेसी ओ गत एक वर्ष भितरे कम बेसी से माने आक्रांत हो सारे एंटीबॉडी डेवलप कर सारे बा किछि लोक मृत्युवरण मध्य कले तो द्वितीय पर्यायर संक्रमण निश्चित भाव युवपीढ़ी को आसिबो तो युवपीढ़ी जेहेतु एबे आक्रांत होती बेसी संख्या रे आउ वयस्क लोक पाखरे पाखापाखी एंटीबॉडी हो जाइछि बा रोग प्रतिरोधक शक्ति डेवलप कर जाइछि वर्तमान टार्गेट रे हेले आमर युव ओ किशोर गोष्ठी जदि दुख रो कथा हुए तृतीय लहरी आसे सेतेबेले एमिती परिस्थिति हबो जे आम युव गोष्ठी देहरे मध्य एंटीबॉडी तयारी हो जाइथिबो आउ खाली बाकी रहिथिबे आमर कुनी कुनी पिला माने बा छोटो शिशु माने सर शिशु जदि आम देखा तो भविष्य को कहुए शिशु ना वैक्सीन अच्छी ना मेडिसिन अच्छी आम केूर प्रस्तुत हवा चिकित्सा जोगाइबा विशेषकर शिशु को जदि कोविड हुए ताहले केते मारात्मक हो पारे स्थिति गत लहरी भी आम देखीचे यही लहरी भी आम देखीचे जे अनेक शिशु आक्रांत होना तार कारण है शिशु मान जो रोग प्रतिरोधक शक्ति संपूर्ण भाव डेभलप हो न थाए ओ अनेक लोक यही रोग में जो मैंने गुरुतर हो पड़ती से मानकर प्रॉब्लम हुए तांकर इम्यून सिस्टम जेहेतु देह भूताणु विरुद्ध संग्राम करे से ही संग्राम रे से मैंने साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप करती और गुरुतर हो पड़ती जार आशंका छोट शिशु पाखे न थाए द्वितीय आमर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देशर ताते स्ट्रंग छोट शिशुटीए से बीसीजी कहतु पोलियो कहतु डीपीटी कहतु मिजिल्स कहतु एत संख्यार टीका निए जो टीकारु अधिकांश टीका भाइरस पाई उद्दिष्ट से परिस्थिति रे शिशुटीर जो इम्यूनिटी बा जो इनफेक्शन इम्यूनिटी बा एंटीवायरल इम्यूनिटी जथेष्ट थाए जदि वैक्सीन कथा कहिबे वर्तमान फाइजर मॉडर्ना किसी गोटाए ग्रुप रे 12 वर्ष रु ऊपर ग्रुप रे वैक्सीन रो ट्रायल करि सारलेनी ओ ताकु निरापद स्थिर करि सारे जेहेतु वर्तमान सेकंड लहर कथा कहा जाउछ ओडिसा रे ए जो हु होई रोगी को संख्या बढ़ुची रोगी को डेथ टोल जदि आपण देखिबे राज्य रे बढ़ी बढ़ चलीची मनरे गोटे क्वेश्चन होउछ जे आमे प्रस्तुत नथिले कि सेकंड लहर को सामना करबा पई जनसाधारण कथा ठीक अछि अन्यपटे प्रशासन सरकार एवं मेडिकल कथा कहा जाए सामग्रिक भाव में आम प्रस्तुत नथिले कि जे सेकंड लहर आसिबो आमे सामना करबा आपण प्रथम लहर रो परवर्ती अवस्था भावंतु आम रोगी संख्या कमी 60 रे पहुंची जाइथिले और मृत्यु संख्या शून्य हो जाइथिला
ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଟୁରିଜିମ୍, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ବାହାଘର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମି 60ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ହେଉଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ନେଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବେ ବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ବି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦେଖି ଆମେ କୋହଳ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁ ରିଓପେନ୍ କଲେ, ଯାହା ଲକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅନଲକ୍ କଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଗଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗୀ ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣ କରିବେ, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାକୁନା ଆସିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ଆଜି ଆମେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2,000 ଟେଷ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 4 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାକିଂ କରି ଆପଣ 10 ବା 12 ପହଞ୍ଚିବେ, ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମବେତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ବାହାଘର ହେଉ, ପଲିଟିକାଲ ରାଲି ହେଉ ବା ଗୋଟାଏ ଧାର୍ମିକ ସଭା ହେଉ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୂତାଣୁକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ନିଜେ ହାତ ଧୋଇବା ବା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ପୁଣି ଭୂତାଣୁକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସରକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଫେସିଲିଟିରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଔଷଧ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ କରିଛେ, ହୁଏତ ମାସେ 2 ଆଗରୁ ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ଡେଥ୍ ଟୋଲ୍ କମିଥାନ୍ତା, ସଂକ୍ରମଣ କମିଥାନ୍ତା, ଆଗୁଆ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆପଣ ଏଇଟା? ନା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ଏଥିପାଇଁ କରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଶୀତ ପଣ୍ଡା, କିଲର ଭାଇରସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ ହେଲା 1 ପୁରୁଣା, ଓ 1 ଭିତରେ ତାର ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ରୋଗୀକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯଥେଷ୍ଟ ଔଷଧ ରିପର୍ପସ୍ଡ ଅଫ୍ ଲେବଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ଟୀକା ବାହାର କରିବାରେ। ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭୂତାଣୁ ମାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ଟୀକାଦାନ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ, ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ମହାମାରୀରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିସାରିଥିବ। ସୀତ ପଣ୍ଡା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ରହିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟୀକାକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ପାଇବେ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ଓ ସେହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଡୋଜ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇଛି ଯଦି 4 ଜାଗାରେ 6, 8 ବା 12 ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିବଡି ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ବା ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମ ଦେହରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବଢ଼େଇ 6 ଓ 8 କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଡ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଥାଏ? ମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ଟୀକା ନେଲା,
लाइफ टाइम आउ सेकंड डोज नबा माने सेकंड डोज एवं फर्स्ट डोज जहर सरी जाई छि से मानको पुनी आउ लाइफ टाइम नबा को परिबो ना प्रति वर्ष को थरे पुनी नबा को परिबो से ने किछि आसी छि कि सर सूचना वर्तमान जहां आमे देखु छु आमे फर्स्ट डोज नबा परे सेकंड डोज नबा परे एंटीबॉडी असेसमेंट करु छु फर्स्ट डोज परे पाखा पाखी 50% to 40% लोकों को देहरे एंटीबॉडी तैयारी हो ची अधा अधी और द्वितीय डोज परे पक्का पक्की 90% to 80% लोकों को देहरे एंटीबॉडी तैयारी हो ची सफल भावरे ताहा द्वितीय डोज रो 2 सप्ताह परे तो ये परिस्थिति रे कोवैक्सिन और कोविशील्ड रो अनुभूति यदि आपनों देखिवे आमे आगो को प्रत्येक मासरे एंटीबॉडी रो परिमाण देखिबो हुए तो जदि 5 मास 6 मास 8 मास 1 वर्ष परे एंटीबॉडी परिमाण कमोची हमको आउ गोटे बूस्टर डोज रो आवश्यकता होई पारे जोठी वैक्सीन आउ गोटे डोज दिया जिवो वर्तमान फाइजर मॉडर्ना क्षेत्र रे से माने 7th मंथ रे आउ गोटे बूस्टर डोज रो रिकमेंडेशन करिसेंती तो तहा आगो को जणा पड़िबो जे एंटीबॉडी केते तयारी होउची तो पंडा आमे कथा होतले जहा पूर्वर मध्ये आलोचना करथले वर्तमान परिस्थिति रे ओडिसा रे कंप्लीट शटडाउन रो आवश्यकता अछि कि देखंतु आमे बारंबार हमरो वैषयिक कमिटी तरफ रु सूचैछु आमर प्रिय मुख्यमंत्री बारंबार लोकों को अनुरोध करिसेंती जे शटडाउन बा लॉकडाउन ताहाला आमर शेष पंथा काईकिना आमे एते दिन ए जो महामारी अधीन रे रहिला परे आम स्ट्रेटेजी थिला माइक्रो कंटेनमेंट द्वारा ताकु नियंत्रण करिवारे माइक्रो कंटेनमेंट कहिले जो एरिया रे इन्फेक्शन बाहरुची आपण ओडिसा रे उदाहरण नियंतु तंतु हॉस्टल रे बाहरला ओटे एजुकेशनल इंस्टिट्यूट रे बाहरला कॉलेज रे बाहरला ताकु बंद करी आमे इन्फेक्शन कंट्रोल करिया पई प्रथमे चेष्टा कले किंतु दुखर कथा हेला नहीं तो प्रथमे हमर नाइट कर्फ्यू तापरे वीकेंड शटडाउन और तापरे 15 दिन रो जो लॉकडाउन रो डिसीजन निया गला तो मु निश्चित जे ए लॉकडाउन परे आमे निहाती भावरे किछि लाभ पाइबा बा जो चेन को ब्रेक करिवा पई समर्थ होबा ता परे गोटे प्रश्न आसीबो आमो लोक साधारण लोक माने यथेष्ट सचेतन हेगलेनी त से माने हमकु सहयोग करिवे तो ए महामारी नियंत्रण रे जदि ताहा हेछि हुए तो आमे पुणी माइक्रो कंटेनमेंट द्वारा बा सतर्कता द्वारा ए जो द्वितीय लहरी रो नियंत्रण करिवारे सफल होबा सुत पंडा आउ एक स्थिति वर्तमान आपण भी अनुभव करथुबे जेहेतु वर्तमान कोविड रोगी को संख्या एवं अण कोविड रोगी को संख्या जदि आपण देखिबे कोविड रोगी को पई वर्तमान अण कोविड रोगी मध्ये हैरान होचन विभिन्न हॉस्पिटल रे अलाउ करा जाउनी एडमिशन पे परमिशन मिलुनी एने किछ परामर्श देबे कि राज्य सरकार को देखंतु आ पई आमे यथेष्ट सचेतन अछु काहेकिना अण कोविड रोगी को चिकित्सा मध्ये गुरुत्वपूर्ण समस्त डिसिप्लिन रे अण कोविड रोगी चिकित्सा जारी रही आमर मेडिकल कॉलेज गुड़ी करे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुड़ी करे अण कोविड वार्ड रे आपण मु उदाहरण दे कहिबि मेडिसिन वार्ड रे जो मानकु पैरालिसिस होउची जो मानकु हृदघात होउची जो मानकु सेप्टिसीमिया होउची बा जो मानकर ट्यूबरक्लोसिस होउची से समस्तंकर चिकित्सा चलीची केवल रूटीन ऑपरेशंस धरंतु जणे रोगी ऑपरेशन आज न करी मासे परे कले मध्ये चलिबो ताकु जदि आमे टाळी देई परिबा होय तो तार इन्फेक्शन चांसेस कमी जिवो जो मानकर इमर्जेंसी नाही रूटीन प्रॉब्लम सेमानकु आमे किछि मात्रा रे पोस्टपोन करूचु काहेकिना सेमानकर जीवन प्रति विपद अछि ए महामारी समय रे डाक्तरखाना को आसी जो ट्रीटमेंट एवेल करिवारे गोटे बड़ ग्रुप डाक्तर लागिछंती अण कोविड रोगी को पई ओ सेमानकर चिकित्सा सेमानकर औषध सेमानकर सबु प्रकार रो व्यवस्था आगोबळी ही चलीची कोविड सह जहा एबे सिस्टम उपरे दुई गुण चाप पकाउची तथापि सरकार ताकु कंटिन्यू करूचंती कोविड ओ नॉन अण कोविड उभय पैरेलली सुत पंडा आउ तो अभिजोग आसुची जे रोगी को पाखकु डाक्टर जाउ नाहंती बोली देखंतु आमे जेतिकी रोगी को चिकित्सा करूछु जेतिकी लोक भल होउचंती जदि डाक्टर न जानते ताहा कदापि संभव होवंता नहीं किंतु एठी गोटाए परिस्थिति अछि मु निजे पीपी किट पिंधि आईसीयू रे वार्ड रे रोगी को पाखु जाइछि ता परे भी रोगी मते फोन करी कहिछंती सर आमे सकाळु अपेक्षा करछु आ आपण आसिले नहीं काहेकिना पीपी किट पछपटे किए प्रोफेसर किए डाक्टर किए सिस्टर
आउ किए क्लास फोर यह जानवा रोगी संभव हुए सुतपन्ना मुझ एससीबी कथा कहूनी कि व्यक्तिगत भाव में जयंत सारों कथा कहूनी विशेषकर घर हस्पिटाल गुड़िक क्षेत्र में रोगी अभियोग आणुंटे आडमिशन करवाक मना करखक आसुना ट्रिटमेंट हो तो गोटे आपण लंबा अभिज्ञतार कहे कि जड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे ट्रीटमेंट केमती संभवपर जड़े टेलीफोन रे कथा केमती ट्रीटमेंट दे पारे देखु मु डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सब कथा कहूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी सरकार अधीन वर्तमान अच्छा से समस्त को म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल रूम परिचालना करमर सीडीएम म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल रूम अच्छी धरतु गोटे रोगीटे गुरुतर है तार आईसीयू आवश्यकता है जो आईसीयू खाली अच्छी जो हॉस्पिटल रे भी सरकारी हो प्राइवेट हो ताकु म्युनिसिपैलिटी निज आंबुलेंस रे नहीं पहुंचुचंति और दिन राति आमर 1929 ओ 104 नंबर एथिपई काम करूची अनेक होम आइसोलेशन रे थिबा लोक तांको फोन करूचंति ओ आंबुलेंस जाय तांको पिकअप करी नै हॉस्पिटल रे पहुंचौची ओ सरकारी हॉस्पिटल अपेक्षा प्राइवेट हॉस्पिटल बेसी सतर्क अछंति काहेकि ना सेमानक पई एटा गोटे दायित्व ओ एटा गोटे सुजोग मु व्यक्तिगत भाव में बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल जाइछि सरकार मध्य हमकु दायित्व देइछन्ति एसीबी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हॉस्पिटल रो ट्रीटमेंट सुपरवाइज करिया पई तो आमे जाइ देखिछु जे प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत मेटिकुलसली ट्रीटमेंट करुछन्ति परीक्षा करुछन्ति सीटी स्कैन करुछन्ति ब्लड तो परीक्षा करी ब्लड सुगर ट्रीटमेंट करुछन्ति ओ डाक्टर दीदी औ स्टाफ जाई रोगी चिकित्सा करुछंती तो मु एटा स्वीकार करूनी जे डाक्टर जाऊ नहांती बा चिकित्सा करू नहांती ओ ए भितरे अनेक डाक्टर मध्य मृत्युवरण कलेणी इन्फेक्शन इनकर करी जेमिति आपण माने सांबादिक माने मध्य तार शिकार हेचंती तो लोकंकर गोटे धारणा जे आमको चिकित्सा होनी बा आम कथा किए शुणु नहांती किंतु मु समस्तंकु अनुरोध करिबी आपण निश्चित रहंतु जे डाक्टर हॉस्पिटल रो स्वास्थ्यकर्मी ओ पूरा टीम से माने प्रस्तुत ही रही चंती आपनकु सहाय्य जोगई दबा पई सित पंडा शेष प्रसंग रे जानियौ चाहि मु वर्तमान जो सेकंड लहर रे सबुठी गोटे भय रहउची जे ऑक्सीजन लेवल कमी जाउची तो मोर सीधा सळ प्रश्न रहइबो ऑक्सीजन लेवल कमीले जने जानिबो केमती ऑक्सीजन लेवल कमीले प्रथम लक्षण हला जे रोगीटी को धईसै लागिबो आउ ऑक्सीजन लेवल रो द्वितीय इंडिकेटर हला जो निश्वास प्रश्वास रो संख्या बा रेस्पिरेटरी रेट आमको साधारणतः 14-15 निश्वास प्रश्वास संख्या रही था जदि से संख्या बढ़ी 24 रे पहुंचला आम जानू रोगीटी मध्यम अवस्था को जाऊँची जदि ताहा बढ़ी 30 रे पहुंचला आम जानू रोगीटी गुरुतर अवस्था को जाऊँची जहाँकि ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 ओ 90 सह समान होई थाए तो आपणकर फिलिंग हम जो धई सही लगे ऑक्सीजन रो आवश्यकता हम सफोकेटेड लगे और से जगह मु उधार सजेशन देवी व्यस्त नहि प्राणायाम करंतु अनुलोम विलोम करंतु लंबा लंबा निश्वास नियंतु आउ जो मानकर घरे अछंति बा होम आइसोलेशन रे अछंति से माने हॉस्पिटल ट्रांसफर होबा जाय बा ऑक्सीजन पहुंचिबा जाय मुह माडी पेटेई सोई रहंतु जा फल रे कि ऑक्सीजन बढ़िबार संभावना थाए आमे जोटा प्रोन पोजिशनिंग कहिथाउ आउ गोटे सबुठारु बड़ गुरुत्व जिनस हला आमर मानसिक संतुलन वर्तमान महामारी परिस्थिति रे अनेक व्यक्ति मानसिक संतुलन हरई चंती आमे हॉस्पिटल रे भी देखुचु रोगी तांको पाख बेड रो पेशेंट रो ऑक्सीजन टाणी निज मुह रे आनी दउ चंती जो मानकर सेचुरेशन रूम एयर रे 98% अछि से माने मध्य कंप्लेन करुचंती जे मते धईसै लागुचि जो जेते बळ जाय आमे निजे संतुलित हेबानी आमर मानसिक अवस्था स्थिर रखिबानी आमे आमकु एमिति नर्भस लगे जदि व्यस्त हवा ताले गोटे पर गोटे सब समस्या आसी आम पाखे पहुंचो आम के देहर बाहरी पार्बानी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पंडा ये थे प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा राज्य कोविड परामर्शदाता कमिटी परामर्शदाता भाव से कार्य करशेषकर कोविड्र स्थिति यार मुकबिला यार परिचालना और सरकारी स्तर में किभली भाव में यार परिचालना कर संपर्क में विस्तृत तथ्य रखुते तेज आज तो समय हो सीधा कथा को ये रखुचु नमस्कार।